कार्यक्रम है जिस प्रकार से बच्चों को विशेष यहाँ पे प्रोजेक्ट करा गया चिल्ड्रंस डे के अवसर पर, बहुत खुशी हुई। जो परफॉर्मेंस देखे उससे ही अंदाजा लगता है कि आप लोग बहुत डेडिकेटेड तरीके से नृत्य की दुनिया के लिए, एक्सप्रेशन की दुनिया के लिए, एक्सप्रेशन के इस फॉर्म के लिए विशेष कार्य कर रहे हैं, इसलिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। और जो आपने यहाँ सम्मान सरोकार यहाँ दिया है इस मंच के माध्यम से, उसके लिए मैं आपको विशेष दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मेरी बेटी क्या करती है, वो टीवी चलाती है, यूट्यूब खोलती है और फिर सारे दरवाजे बंद करके अंदर क्या करती है वही जानती है, बस हमें नहीं दिखाती। तो इससे बड़ी खुशी हुई, अगर वो यहाँ पे आई होती उसे भी बड़ी खुशी होती देखकर। तो बच्चों में आजकल ये नेचुरली, क्योंकि अब देखिए ना वो रील्स का जमाना आ गया ना, आपको रील्स देख रहे हैं। अच्छी बात, कला और संस्कृति का जितना जो आप लोग वाहक का कार्य कर रहे हैं ये वाकई में अद्वितीय है, इसके लिए मैं आपको विशेष आभार प्रकट करता हूँ। उनके लिए जोरदार ताली भावना डांस अकादमी की टीम के लिए, और आप ऐसे ही मशाले अलग जलाए रखें, इसकी आवश्यकता है दुनिया में, प्रेम सत्कार। और देखिए नृत्य में जब व्यक्ति खो जाता है तो उससे बड़ा मेरे ख्याल से अध्यात्म कोई नहीं। तो ये अलौकिक शक्ति नृत्य की जो है उसका भी जो आप यहाँ पे जिस प्रकार से उसकी ऊर्जा का यहाँ पे संचार कर रहे हैं, उसके लिए विशेष पूरी टीम को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। भावना डांस अकादमी की टीम को, सारे पेरेंट्स को, आपसे जितने जुड़े लोग हैं, जितने आपके स्पॉन्सर हैं, स्पॉन्सर के बिना भी सफल कार्यक्रम आयोजित नहीं होता है, उनका भी विशेष दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय नृत्य। जितनी खूबसूरत वो बाहर से दिखने में है, उनसे ज्यादा खूबसूरत वो दिल से है। सो प्लीज मैम, प्लीज एक बार जोरदार तालियां बजाएं अपने पर और को अपना। थैंक यू अनुराधा मैम, थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू सो मच एवरीवन। सुमित सर जी का दिल से धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया और बच्चे बहुत खुश हैं आपको देख के, काफी अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू सो मच बच्चों के पेरेंट्स को जिन्होंने इतना ज्यादा सपोर्ट किया अपने बच्चों को, ये देख के मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा। और मैं दिल से धन्यवाद दूंगी उनके पेरेंट्स को भी, बच्चों को भी जिन्होंने इतनी मेहनत की, और उनके पीछे जो उनके पेरेंट्स का जो, खासकर मम्मियाँ दिख रही है मुझे ज्यादा यहाँ पे, जो उनका स्ट्रगल रहा यहाँ तक उनको तैयार करने में, उनकी चोटी बनाने में, उन्हें ड्रेसअप करने में, मेकअप करने में, वाओ वंडरफुल। मतलब इतना सपोर्ट अगर मिले तो बच्चा जरूर एक ना एक दिन जरूर सही मुकाम पे जाएगा। वेरी गुड। मैं सारे पेरेंट्स को बोलूँगी इसी तरह बच्चों को सपोर्ट करते रहे, उनको सिर्फ और सिर्फ आपके सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है, तो प्लीज़ इसी तरह बच्चों को सपोर्ट करें। और आप सबने जैसे मुझे सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ऑन द स्पॉट भी काफ़ी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जो बच्चों ने और बच्चों को देख के मोटिवेट हुए हैं, तो इस तरह सबको मोटिवेट करते रहें और इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहें, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड होते रहेगा। सो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से सबको।